नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीरज। उत्तराखंड के 22 साल के सफर में राज्य के कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक सड़कें नहीं हैं और लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय से तरस रहे हैं। इस 22 साल में बीजेपी और कांग्रेस दो ऐसी पार्टियां रही जो सत्ता पर विराजमान हुई, लेकिन तमाम हवाई वादों के बावजूद भी राज्य में 2500 गाँव तक सड़क नहीं पहुँच पाई। ऐसे में अब सत्ता में विराजमान धामी सरकार की ओर से एक अच्छी पहल शुरू होने जा रही है। बता दें कि सरकार छोटे छोटे गांव में लोगों की परेशानी को देखते हुए ग्राम सड़क योजना लागू करने पर विचार कर रही है और इस योजना में उन सड़कों को शामिल किया जाएगा जो सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के मानकों में नहीं आ पाती हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड के 2500 गांव जहां सड़कें नहीं हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण निर्माण विभाग इस पर तैयारी कर रहा है। इसके बाद जो गाँव अभी तक सड़कों से वंचित हैं, उनकी आबादी 250 से कम है, जिस वजह से वहां पर सड़क नहीं बन पाई है। इस दौरान अब ग्रामीण निर्माण विभाग ऐसे गांव जहां पर लोगों की कम आबादी है वहां भी सड़कों को बनाने का काम करेगा और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव तक भी सड़क बननी शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इस योजना को सीएम ग्राम सड़क योजना का नाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।